सामने दोहराते रहे कि भारत के कदम में इजाफा होगा, वो वाकई हो रहा है। एक दिन में दो बड़ी सफलता। बिल्कुल, बहुत बड़ी सफलता है। अगर अफ्रीकी यूनियन यहाँ शामिल हुआ है भारत G20 के देशों में, ये प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार ग्लोबल साउथ की बात कर रहे थे, ग्लोबल साउथ की वॉइस आवाज़ बनने की बात कर रहे थे। आपको याद होगा SCO की समिट में जब वो उज्बेकिस्तान गए थे, समरकंद में SCO का समिट हुआ था, वहाँ भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि तमाम सीमाओं को पर जो तनाव है देशों को उसको छोड़ना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया का खाद्यान्न संकट दूर हो, ताकि खाद्यान्नों की आवाजाही में कोई परेशानी न हो। लोगों को अगर फसल उपजाने में दिक्कत हो रही है, अगर पानी की दिक्कत हो रही है, तो वहाँ मिलेट्स उगाएं, भारत में मिलेट्स होता है। तो भारत की जो परंपरा और संस्कृति है उसको बाहर बोल रहे थे। अमेरिका गए तो कैपिटल हिल में उन्होंने सीनेट में जब एड्रेस कर रहे थे अमेरिकी कांग्रेस को, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि अफ्रीकी यूनियन को भी दुनिया के इस बड़े गुट में तवज्जो दिलानी चाहिए, उनको शामिल करवाया जाना चाहिए। और मुझे याद है आज भी वहाँ कम से कम दर्जनों अफ्रीकी एम्बेसडर थे जिन्होंने खड़े होकर प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। बड़ी बात कही आपने, मैं आपका रुख करती हूँ अफ्रीकन यूनियन के मसले पे। अब राजीव, मैं आपके पास आती हूं। आज सुबह से सबसे ज्यादा हम इस पे फोकस कर रहे थे, अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाना। और उस वक्त की जब आप तस्वीरें याद करेंगे, आप यकीनन देख ही रहे होंगे, तो वो गर्मजोशी से मिलना और ये सारी बातें। उसके बाद हम इसको अगर बड़े कैनवास पे लेके जाके देखें, अंतरराष्ट्रीय मंच पे लेके जाके देखें, तो क्या वाकई ये यूएन में स्थायी तौर पे अपने आप को वहां पे पहुंचाने की कोशिश में भारत ने ये कदम उठाया? देखिए, जिसे अभी हमने बात की थी कम्युनिके की, उसकी तरह से लगभग यह भी तय था कि अब G20 नहीं रहेगा, अब वह G21 होने जा रहा है। और G20 जिस तरह से भारत ने अफ्रीकन देशों को, अफ्रीका के लोगों के साथ अपना बहुत ही सहानुभूति से लेकर अपना समर्थन वर्षों से दिया है, तो यह इसकी एक जस्ट नियत, इसको कहेंगे नियति कहिए, परिणति कहिए, वह परिणति ही थी। और किसी को आपत्ति इसलिए नहीं होनी चाहिए थी कि देखिए कोई एक देश या दूसरा देश नहीं था। और अभी जो हम बात अभी कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि यह एक जो संगठन है, या इसे कहिए फोरम कह लीजिए, इसे मंच कह लीजिए, जो कह लीजिए, यह मंच विश्व आर्थिक नीतियों का कह सकते हैं। आपकी इस बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी उपलब्धि भारत के लिए, बहुत बड़ी खबर। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है और उन्होंने कहा कि भारत ने युद्ध के माहौल में बहुत शानदार मेजबानी की है। ये अर्जेंटीना की तरफ से कहा गया है। भारत G20 का शानदार मेजबान है, यूक्रेन जंग के बीच अच्छी मेजबानी की है भारत ने, भारत अर्जेंटीना में मजबूत संबंध स्थापित हुआ है, ये कहा है वहां के राष्ट्राध्यक्ष ने। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने जमकर तारीफ की है पीएम मोदी की और उन्होंने कहा कि भारत ने युद्ध के माहौल में, यानी रूस यूक्रेन का जो युद्ध है उसका असर दुनिया के अलग अलग देशों में, दुनिया के अर्थव्यवस्था में, दुनिया के रिश्तों पे ये प्रभावित पड़ा है, लेकिन उस बीच में बहुत शानदार मेजबानी की है, ये कहा गया है। और मैं इसी सवाल के साथ राजीव जी आपके पास ही आती हूँ कि अभी हम तारीफ कर भी रहे हैं और एक और बड़ी बात निकलकर सामने आई है। निश्चित ही, वही देखिए, यह भी लगभग तय था कि अफ्रीकन यूनियन बनेगी। अफ्रीका यूनियन एक समूह है और यह समूह जो है से उन किसी एक राष्ट्र का नहीं जिसका कि चीन के साथ या पाश्चात्य देशों के साथ संबंध है, यह पूरे के पूरे महादेश का एक संगठन है। और इस संगठन को छोड़ना या इस संगठन को नजरअंदाज करना इतने दिनों तक, बात को ही मैं आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन सौरभ इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सौरभ शुक्ला जर्नलिस्ट। सौरभ, अभी दो बड़ी खबरें हुई हैं आज के दिन में, अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाना और एक और बड़ी उपलब्धि जिसको हम साझा बयान से भी जोड़कर देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, सबसे बड़ी जो बात है आज की, अगर मुझसे पूछे, मैं यहीं पर भारत मंडप में हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो एक कंसेंसस बिल्डर की और ज्यादा उसमें स्ट्रॉन्ग बनी है। भारत जो है एक पूरा कंसेंसस बिल्डर इस समय जब विश्व में इतनी ज्यादा एक डिविजन है, उस समय ये G20 का डिक्लेरेशन आना और खासतौर से भारत की प्रेसिडेंसी के अंदर इस बात का पूरा जिसे कहते हैं मानक है कि भारत की बात जो ग्लोबल साउथ के देश हैं वो भी सुनते हैं और जो सबसे ताकतवर देश है वो भी सुनते हैं, क्योंकि उनके पता है भारत की वॉइस एक वॉइस ऑफ रीजन है, भारत की बात को माना जाता है। और यही कारण है कि जो विश्व के लीडर्स यहाँ आए हैं उन्होंने इस डिक्लेरेशन को माना है। मेरी
कल भी बात हो रही थी जो G20 के शेरपा हैं उनसे और कुछ और जो राजनयिक हैं जो इसके पीछे काम कर रहे थे, और मुझे उन्होंने कहा था कि ये जो है इसलिए संभव हुआ है क्योंकि पॉलिटिकल विल है। भारत में प्रधानमंत्री ने खुली छूट दी थी अपने डिप्लोमैट्स को, ब्यूरोक्रेट्स को, अपने मंत्रियों को, और उन्होंने इसीलिए कहा कि आप जितना भी एल्बो रूम चाहिए आप वो लीजिए और इसमें कंसेंसस क्रिएट करिए क्योंकि पूरे देश का सवाल है। और दूसरी बात बताओ, इससे भारत का जो वर्चस्व है, कूटनीतिक वर्चस्व और बढ़ेगा, और एक और जो है दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि देखिए एक शांति प्रिय देश जो शांति के लिए काम करता है हमेशा, वो युद्ध नहीं चाहता, उसने विश्व के लिए एक ऐसा रोड मैप तैयार करवाया है G20 दिल्ली डिक्लेरेशन के तहत, जो आगे आने वाली जो जनरेशंस है उनको इसका फायदा हो। और मैं जब ये डिक्लेरेशन आएगा अभी कुछ ही देर में आने वाला है, मैं आपको बता दूं इसमें कई सारी ऐसी बात है जो भारत का नैरेटिव है वो पूरे विश्व के लिए कैसे कारगर साबित होगा वो इसके अंदर निकल कर आएगा। सौरभ, एक सवाल मैं यहाँ पे ऐड ये करना चाहती हूँ कि आपने रिश्तों पे बात की, युद्ध की स्थिति में यानी रूस यूक्रेन युद्ध की स्थिति में हमने देखा कि दुनिया के ना सिर्फ अर्थव्यवस्था पे बल्कि दुनिया भर के तमाम देश के आपसी संबंध भी बिगड़े थे, उसका भी प्रभाव इस पे पड़ा था। लेकिन पीएम मोदी की इस पहल के बाद क्या होने जा रहा है? क्या रूस को लेकर जो बायकॉट सिचुएशन था, जो इस तरीके से बातें आ रही थी कि प्रतिबंधित कर देंगे, पश्चिमी देशों का रुख बहुत कड़ा था, क्या इसमें भी तब्दीलियां देखने को मिलेगी, इसमें भी कोई बदलाव होगा? देखिए मैं एकदम तो नहीं कहूंगा कि एकदम से ओवरनाइट कोई बदलाव होगा, पर मैं आपको बताऊं कि बैक चैनल में दोनों ही देश चाहते हैं, अमेरिका और रूस दोनों ही चाहते हैं कि भारत जैसा जो देश है वो अगर कुछ मध्यस्थता कर पाए इस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए तो बहुत बड़ी कारगर इसमें कदम होगा। पर क्योंकि कुछ ऐसी चीजें थी, ऐसी शर्तें थी जो ना रूस मानना चाहता था और अमरीका और यूक्रेन, जाहिर बात है उनका भी एक अपना एक अलग स्टैंड है। पर मैं आपको बताऊं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी उनकी इन्फ्लुएंस है और उनकी इज्जत ये लोग देश करते हैं कि अगर इस युद्ध को ख़त्म करना है तो वो एक इसमें महानायक का रोल प्ले कर सकते हैं। और भारत जो है कंसेंसस बिल्डर और एक शांति प्रिय जिसे कहते हैं विश्व का शांति दूत के रूप में उभर सकता है। और ये इसमें मुझे लगता है अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने, आप वहीं पे हैं, भारत मंडपम में ही है, वहीं से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही कि वहां के राष्ट्रपति ने तारीफ की है पीएम मोदी की और कहा कि युद्ध के बीच में शानदार मेजबानी G20 की। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि वहीं नहीं, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने खुल के कहा है, कई और जो डेलीगेशन है मेरी उनसे बात हुई और वो ये कहते हैं कि देखिए जिस तरह से, जिस मैच्योरिटी से इस G20 की बैठक को कंडक्ट किया गया है, और मैं आपको बताऊं कि जो अफ्रीकन यूनियन को लाने का था, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को बुलाया एकदम से, ये डिप्लोमैट्स नहीं कर पाते, ये प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति की वजह से हुआ है। और अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है, आप